दादी, I'm so 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 sorry. मुझे नहीं बताना था आपको ये सब. आपने पूछा तो मेरे मुंह से निकल गया, वरना मैं सोच कर आई थी नहीं बताऊंगी आपको. पता था मुझे आप सब लोग परेशान हो जाएंगे. I'm just so sorry, दादी. पहले ही परेशानी का कम थी, ये झमेला खत्म ही नहीं हो रहा है. तमाशा बना के रख दे हमारे घर के इज्जत को. अब पता नहीं और क्या क्या बोल रहे होंगे ये मीडिया वाले. हरलीन प्लीज टीवी ऑन मत कर यार, पता है वो क्या बकवास करेंगे और स्ट्रेस बढ़ जाएगा. जब जानते हैं तो देख भी लेते हैं ना. ओके. आरवी मल्होत्रा अपनी अनोखी शादी को लेकर आज कल चर्चा में बने हुए. आरवी मल्होत्रा और नेत्रा का आज संगीत का फंक्शन था, जिसमे एक वाक्य हुआ. उनकी पत्नी मिसेस पूर्वी मल्होत्रा का किडनैप हो गया. अपने घर से उनकी पत्नी गायब हो गई, ऐसा उनके घर वालों का मानना है. पर अगर आप हमसे पूछे तो हमारा नजरिया ये बनता है कि वो किडनैप नहीं बल्कि खुद अपने घर से चली गई. What nonsense? अगर उनकी जगह कोई और औरत होती तो उसका भी यही हाल होता. कौन पत्नी अपने पति की किसी और से शादी होते हुए देख सकती है. यही वजह है कि वो अपने घर से खुद चली गई. मैंने कहा था ना ये क्या बकवास करेंगे ये लोग. प्लीज यार बंद करो इसे, बंद करो इसे. हरमन, बंद करने से क्या फायदा है. तू मेरी एक बात मान, तू मीडिया वालों को फोन कर और उनको कह दे कि न्यूज में ये सारी बातें ना फैलाएं, वो सब अफवाहें हैं. अफवाहें? ये क्या बोल रही है तू, हैं? कैसी अफवाहें? बल्लू जी, अफवाह ही कहना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे परिवार के लिए ये सही नहीं है. न्यूज में यही आ गया है कि हमारी बहू हमारे घर से ही किडनेप हो गई है, तो हमारे परिवार की इज्जत मान सम्मान इसके लिए सब कुछ ये सही नहीं है. आरवी, आरवी भी यहाँ देखिए. आरवी, दिया और युग भी है उसके साथ. ये बच्चे, ये लोग पुलिस स्टेशन के बाहर क्या कर रहे हैं? मिस्टर आरवी, आपको क्या लगता है आपकी पत्नी मिसेस मल्होत्रा इस वक्त कहाँ है? क्या ये सच है कि उनका अपहरण हुआ है, किडनैप हुई है वो? बताइए. अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख सकते? कैसी फैमिली आपकी जो अपनी बहू का ध्यान नहीं रख सकती? जिसे अपनी बहू बना के घर लाए, बेटी की तरह रखा, उसका ख्याल नहीं रख सके वो? क्या वाकई में पूर्वी का किडनैप हुआ है या वो दुखी होकर घर छोड़कर चली गई है? बताइए हमें सच क्या है, बताइए. कहीं वो आपकी वजह से घर छोड़कर तो नहीं चली गई? क्या है सच बताइए आप हमको. एक सेकंड, आप लोगों का क्या है, सच पता नहीं होता, बस हर बारी मन की कहानी बोलते रहो. और आप ऐसे किसी पर भी इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप लोग होते कौन है हमें गलत बोलने वाले? या, युग, कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की. कि ये मीडिया है, इनका काम है सच जानना और इनको इनका काम आता है. ठीक है, यही आपका जवाब होगा ना? कोई बात नहीं, मैं आपको सच बोलता हूँ. लेकिन आपको मेरे सच पे यकीन करना पड़ेगा. और सच ये है कि पूर्वी खुद से कहीं नहीं गई है, उसका किडनैप हो गया है.